बच्चों एक्सरसाइज 8.2 को आगे कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखना बच्चों, सेकंड का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है। 2 tan 30 degree अपॉन 1 plus tan square 30 degree, ये इन चार ऑप्शन में से किसके बराबर होगा। पहला ऑप्शन है sin 60 degree, दूसरा ऑप्शन है cos 60 degree, तीसरा ऑप्शन है tan 60 degree और चौथा ऑप्शन है sin 30 degree। तो बच्चों इसे सॉल्व करते हैं, tan 30 degree की वैल्यू यहां पे पुट करते हैं, तो इसे लिखते हैं बच्चों 2 into tan 30 degree की वैल्यू 1/√3 अपॉन 1 plus tan square 30 degree, मतलब 1/√3 का स्क्वायर। इतना समझ में आया, तो लिखेंगे बच्चों 2/√3 अपॉन, ये कितना आएगा 1 plus 1/3। इतना समझ में आया बच्चों, 2/√3 को तो ऐसे लिखो अपॉन, यहां पे बच्चों एलसीएम ले लो 3 plus 1/3, तो बच्चों 2/√3 तो ऐसे ही आएगा, ये 3 घूम के बच्चों ऊपर जाएगा, तो लिखेंगे इंटू 3 अपॉन बच्चों क्या आ जाएगा 4। समझ में आया, इसको घुमा के यहां पे लेके जाएंगे, इसको घुमा के यहां पे लेके जाएंगे। अब बच्चों ये √3 और 3 आपस में कैंसिल होकर क्या बचाएंगे, न्यूमरेटर में √3, और ये 2 4 को बच्चों कितने बार टाइम्स कट करेगा, 2 टाइम्स। समझ में आया, ये आपस में कैंसिल होकर √3, ये आपस में कैंसिल करके 2। अब √3/2 सोचो किसका आंसर होता है, √3/2 होता बच्चों sin 60 डिग्री का। तो यानी कि जो फर्स्ट पार्ट है इसका जो आंसर आएगा बच्चों कितना आएगा, sin 60 डिग्री। नोट कर लो, कर लिया। अब बच्चों क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में आते हैं। सेकंड पार्ट है 1 minus tan square 45 degree अपॉन 1 plus tan square 45 degree, इसकी वैल्यू बताओ। ऑप्शन ए है 10 90 डिग्री, दूसरा है 1, तीसरा है sin 45 डिग्री और चौथा है 0। तो क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले 10 45 डिग्री की वैल्यू पुट करेंगे, यह आएगा 1 minus 1 का square अपॉन 1 plus 1 का square, तो यह आ जाएगा 1 minus 1 upon 1 plus 1, यानी कि बच्चों 0/2, इट मीन 0। तो सीधे सीधे जो क्वेश्चन में सेकंड है उसका आएगा ऑप्शन डी 0। इतना समझ में आया। अब बच्चों बात करेंगे क्वेश्चन में थर्ड की। पार्ट थर्ड क्या कह रहा है, sin 2a = 2 sin a इज ट्रू व्हेन a = 2। समझ रहा, हमसे कहा गया है sin 2a = 2 sin a ऐसा कब होगा। ठीक है, मान लो ये चीज है, इफ sin 2a = 2 sin a देन फाइंड a, क्वेश्चन ये है। अब देखो बच्चों एक एक करके ऑप्शन चेक करते हैं। सबसे पहले मैं a की वैल्यू 0 डिग्री पुट करता हूं, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं ऑप्शन चेक कर रहा हूं, मैं लिखता हूं व्हेन a = 0 डिग्री, तो बच्चों जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें क्या लिखा जाएगा, sin 2 times of 0 डिग्री। देखो sin 2 times of a, a की वैल्यू क्या पुट करिए 0 डिग्री, तो कितना आ जाएगा sin 0 डिग्री, और sin 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, 0। समझ में आया, sin 2 times of a यानी कि sin 2 times of 0 डिग्री, और sin 0 डिग्री कितना हो जाएगा, 0। अब बच्चों मैं सॉल्व करता हूं RHS, RHS क्या बच्चों 2 sin a, क्या है 2 sin a, यानी कि 2 sin 0 डिग्री, 2 sin a, 2 sin 0 डिग्री, और sin 0 डिग्री की वैल्यू बच्चों 0, तो ये भी कितना आ गया, 0। इसका मतलब बच्चों ऑप्शन ए, जब a की वैल्यू 0 डिग्री है तो sin 2a ही किसके बराबर है, 2 sin a के बराबर है, और यहां पर को हमने वो प्रूफ करके दिखा दिया दोनों की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, 0 के बराबर आ रही है। इतना समझ में आया। अब इसके बाद बच्चों क्वेश्चन के पार्ट नंबर फोर्थ पे आते हैं। बच्चों फोर्थ पार्ट है 2 tan 30 upon 1 minus tan square 30, ठीक है, फोर्थ पार्ट क्या है, 2 tan 30 degree अपॉन 1 minus tan square 30 डिग्री,
ये कॉस 60 डिग्री के बराबर होगा, साइन 60 डिग्री के बराबर होगा, टेन 60 डिग्री के बराबर होगा, या फिर साइन 30 डिग्री के बराबर होगा। करने का तरीका क्या होगा बच्चों, सीधे सीधे टेन 30 डिग्री की वैल्यू पुट करेंगे तो 2 तो ऐसे ही आएगा। टेन 30 डिग्री कितना होता है बच्चों, 1/√3 अपॉन 1 माइनस टेन 30 डिग्री की वैल्यू फिर से पुट करो, यानी कि 1/√3 का स्क्वायर। अब बच्चों इसे क्या लिखा जाएगा, 2/√3 अपॉन 1 माइनस 1/3। अब बच्चों नीचे एलसीएम ले लो, 2/√3 को तो ऐसे लिखो, इसे एलसीएम लिखोगे क्या आएगा, 3 माइनस 1/3। तो बच्चों इसे तो लिखा जाएगा 2/√3 अपॉन, नीचे कितना आ जाएगा, 2/3। इसे क्या लिख सकते हैं, 2/√3 × 3/2। समझवाया। अब बच्चों 2 से 2 कैंसिल, ये कितने टाइम्स कट होगा, √3 टाइम्स, तो यानी कि कितना आंसर आया, √3। बच्चों √3 इसमें से किसकी वैल्यू होती है, टेन 60 डिग्री की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है, टेन 60 डिग्री, यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ऑप्शन सी। जल्दी से नोट कर लो। इतना समझ में आया। अब बच्चों बात करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है, इफ 10a+b = √3, 10a-b = 1/√3, a+b <90°>, > 0°, यानी कि दोनों का सम एक्यूट एंगल है, ठीक है, या फिर सॉरी a+b <90°>, यानी कि a+b या तो 90 के बराबर होगा या तो 90 से छोटा होगा। a > b, फाइंड a और b, ठीक है। तो देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 क्या गिवन है, 10a+b = √3, तो क्या लिखेंगे हम, 10a+b = 10 60°। समझवाया, क्योंकि 10 60 डिग्री की वैल्यू ही कितनी होती है, √3। अब बच्चों कंपेयर कर लेना, कंपेयर करोगे तो a+b किसके बराबर आएगा, 60 डिग्री के बराबर आएगा। मैंने बहुत बार देख रखा है बच्चे 10 और 10 को ऐसे कैंसिल कर देते हैं, बच्चों ये तरीका गलत है, ठीक है, हमेशा लिखना कंपेयर, और कंपेयर करने के बाद a+b की वैल्यू क्या पुट कर देना, 60 डिग्री। अब जो दूसरी कंडीशन गिवन है वो क्या है, 10a-b = 1/√3, तो मैं लिखता हूं 10a-b = 1/√3, तो क्या लिखेंगे बच्चों, 10a-b = 10 30°, क्योंकि 10 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। फिर से क्या करोगे बच्चों, कंपेयर करोगे, कंपेयर करोगे तो a-b किसके बराबर आ जाएगा, 30 डिग्री के बराबर आ जाएगा। इतना समझ में आया। अब बच्चों सीधे सीधे इन दो इक्वेशन को सॉल्व कर लेना, सॉल्व a+b = 60°, साथ में a-b = 30°। सॉल्व करोगे तो बच्चों जो a आएगा वो आएगा कितना, 45°, और जो b आएगा वो कितना आएगा बच्चों, 15°, ठीक है। इसे सॉल्व कर लेना, बेसिक सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन जो लगाना चाहो। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ गए, इसे जल्दी से नोट कर लो। अब इसके बाद बच्चों बात करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 की। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। सबसे पहला क्वेश्चन है क्या बच्चों, sin a+b = sin a+sin b, क्या sin a+b sin a+sin b के बराबर होता है बच्चों? ये जो आंसर है वो क्या है, फॉल्स। इसका रीजन समझाता हूं, ठीक है। sin a+b इज नॉट इक्वल टू sin a+sin b। एक काम करो, एग्जांपल लेट करके चलो, मैं लिखता हूं लेट a = 30° एंड b = 60°। तो बच्चों जो LHS है वो कितना आ जाएगा, sin 30° + 60°। मैंने a की वैल्यू 30 पुट करी, b की वैल्यू 60,
तो बच्चों इसे लिखेंगे हम साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1। अब इसके बाद ऐसे बच्चों क्या निकालेंगे, आरएचएस। आरएचएस क्या आएगा बच्चों, साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री, ठीक है। साइन ए प्लस साइन बी, यानी कि ए की वैल्यू 30 पुट करी और बी की वैल्यू 60 पुट करी। साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 1/2, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, √3/2, यानी कि ये आया 1 + √3/2। अब देखना बच्चों क्या एलएचएस आरएचएस के बराबर आया, नहीं आया। तो इस वजह से जो पहला पार्ट है फोर्थ क्वेश्चन का, वो क्या, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया बच्चों, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। बच्चों इसका आंसर तुम ट्रू कर लो, ठीक है, क्योंकि हमारे उसमें सिलेबस में सिर्फ पहले क्वाड्रेंट की बात की गई है, और पहले क्वाड्रेंट में थीटा के बढ़ने के साथ साथ साइन थीटा क्या करता है, बढ़ता है। अब इसका एक्सप्लेनेशन अगर समझाऊं तो यहां पे लिखता हूं मैं पार्ट सेकंड। देखना बच्चों मैं यहां पे थीटा लिख रहा हूं, फिर यहां पे एक मिनट, यहां पे लिखता हूं साइन और यहां पे लिखता हूं थीटा। बच्चों चलो एक काम करो, सीधे सीधे देखना, साइन 0 डिग्री बच्चों 0, साइन 30 डिग्री बच्चों 1/2, यानी कि 0.5, साइन 45 डिग्री कितना होता है बच्चों, 1/√2, यानी कि 0.707। ऐसे बच्चों साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3/2, 1.73/2, डिवाइड करके देख लेना। फिर ऐसे साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1। देखना बच्चों 0 डिग्री साइन पे, मेरा कहना है साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री की 0.5, साइन 45 डिग्री की 0.707। जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है वैसे वैसे साइन की वैल्यू भी बढ़ रही है, तो तुम्हारा आंसर क्या हो गया, ट्रू हो गया, ठीक है। और एक चीज और समझी जा सकती है, एक राइट एंगल ट्राइंगल कंसिडर करो, ये एंगल जैसे जैसे बढ़ेगा, ये जो थीटा एंगल होता है ये जैसे जैसे बढ़ेगा, समझ में आया, राइट एंगल ट्राइंगल में ये थीटा जैसे जैसे बढ़ेगा ये परपेंडिकुलर क्या करेगा, बढ़ेगा, समझ में आया। जैसे अब थीटा यहां पे चला गया मान लो, तो ये परपेंडिकुलर फिर से बढ़ गया, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू अगर लगातार बढ़ती रहेगी तो साइन थीटा भी क्या करेगा, बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। जैसे समझना चाहो वैसे समझ लो। अगला क्या बच्चों, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एट थीटा इंक्रीजेस, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। टेबल के तरीके से ही सोचो, कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, थर्ड पार्ट, कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, 1, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, कॉस 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है बच्चों, 1/2, और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 0। जैसे जैसे ये थीटा बढ़ रहा है ये वैल्यू 1 से कहां गिर गई है, 0, तो इस वजह से ये क्या है, फॉल्स है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, ये भी क्या है, फॉल्स। देखो बच्चों साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों सिर्फ 45 डिग्री पे ही सेम होते हैं, ठीक है, बाकी सब पे अलग अलग होते हैं। फिर अगला क्या है, cot a इज नॉट डिफाइंड फॉर a इक्वल टू 0 डिग्री, ये क्या बच्चों, ट्रू है। ट्रिग्नोमेट्री के टेबल पे ध्यान देना, cot 0 वो क्या होता था बच्चों, 1/0 आता था, तो जिसके लिए क्या करते थे, इनफाइनाइट या फिर नॉट डिफाइंड। इतना समझ में आया, वैसे इसको एक तरीके से और समझ सकते हो, cot a इज नॉट डिफाइंड फॉर a इक्वल टू 0। देखो cot a का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इतना समझ में आया। अब अगर एंगल 0 डिग्री है, अगर एंगल 0 डिग्री है, तो देखो जैसे पहले ये कुछ एंगल थीटा है, अब एंगल 0 डिग्री है तो ये चीज तो होगी नहीं और ये चीज भी नहीं होगी, तो एंगल 0 डिग्री क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन। अगर एंगल 0 डिग्री है तो ये क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन है तो परपेंडिकुलर तो होगा ही नहीं, अगर स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर तो होगा ही नहीं, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू इसके लिए कितनी हो जाएगी, 0, और कॉट 0 और बेस में अगर 0 आ गया, बेस में अगर 0 आ गया तो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड।
अगर एंगल 0 डिग्री है तो यानी कि परपेंडिकुलर 0 है। अब परपेंडिकुलर अगर 0 है तो नॉट डिफाइंड, क्यों? क्योंकि कॉर्ड में अपॉन में क्या आता है, परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, समझ गए होगे? तो बच्चों अभी के लिए इतना ही, सेकेंड एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट।